हमेशा कहती हूँ व्यास जी, डेमोक्रेसी में इट इज़ बेटर टू अर टू मेक अ मिस्टेक ऑन द साइड ऑफ मोर फ्रीडम वट एवर बी द कॉस्ट देन लेस। उसमें आप गलतियाँ भी करोगे, जो भी है आपके एजेंडा भी होंगे, जो भी हमारे जीन्स के अंदर या हमारे स्वभाव में या हमारे लोकतंत्र में स्थाई क्यों नहीं बने, क्यों नहीं वो पेटे, इसके लिए किसे दोषी बने? डेमोक्रेसी जब आगे बढ़ती है जब पब्लिक ओपिनियन अवेयर है। नीरजा जी, आप इमरजेंसी से पहले पत्रकारिता में थी, इमरजेंसी के दौरान एक हिम्मत पत्रिका में बहुत हिम्मत के साथ आपने पत्रकारिता की थी, उस वक्त से लेकर आज तक पत्रकारिता का जो अनुभव है उसमें गोल्डन पीरियड पत्रकारिता का कौन सा था और उस गोल्डन पीरियड के साथ उसमें टर्निंग पॉइंट कब कब कैसे कैसे आए? देखिए मेरा अनुभव है। और शुरुआत कब से हुई आपकी पत्रकारिता की? ये तो मैं हिम्मत में थी, इमरजेंसी के टाइम ही, पहले थोड़ा काम किया था फिर चली गई थी, फिर इमरजेंसी के टाइम मुंबई में आई। उस टाइम तो बहुत ही एक्साइटिंग था क्योंकि हिम्मत तो ब्लैक में बिकती थी और सेंसर के पास ले जाना पड़ता था। और मैं जेएनयू में था और मैं हिम्मत को वहाँ लाइब्रेरी में देख के पढ़ा करता था। और हम लोग सेंसर को ले जाते थे, फिर इतना ऐसे हुआ कि पीछे ही पड़ गए। प्रेशर आया, जो भी प्रेस हमको प्रिंट कर रही थी उस पर प्रेशर आया, उनका हम नहीं कर सकते, तो एक के बाद एक के बाद हर हफ्ते प्रेस बदलना। फिर हमने एक अपील की थी अपने रीडर्स को और कि पैसा दो प्रेस खरीदने के लिए। आपको याद नहीं, इतना बड़ा दीवार पे ग्राफ अब बना था, एक एक रुपया भी आया था, इतना वो मनी ऑर्डर से आता था वो ग्राफ, धीरे 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 धीरे। और हमने कोई 70,000 इकट्ठा किया था, बहुत थे उस समय, बहुत था। और एक छोटी सी प्रेस ली थी और फिर प्रेस में वो प्रिंट होता था और उसके तुरंत बाद तो इमरजेंसी हटा दी और इलेक्शंस हो गए। तो वो तो बहुत ही एक्साइटिंग ज़माना था। और फिर अंडरग्राउंड पर्चे निकाल, ये सोशलिस्ट थे बम्बई के, वो निकालते थे, तो संडे के संडे हम लोग जाते थे कि उनसे मटेरियल लेके। उस समय बॉम्बे था भी, जनता एक मैगजीन निकलती थी, ओपिनियन निकलती थी, छोटी वाले छोटी छोटी पत्रिकाएं थी, वो बिल्कुल आजादी की उसकी स्वतंत्रता मतलब अभिव्यक्ति की भूमि बहुत थी। तो बहरहाल वहां से शुरू होकर आपका अब तक में, उसमें टर्निंग पॉइंट कौन कौन से थे पत्रकारिता के नाते? देखिए जब राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के टाइम, इंदिरा गांधी का तो इमरजेंसी का देखा, फिर राजीव गांधी जब आए तो मुझे याद है कांग्रेस के ऑफिस में हम लोग घंटा भर वेट करते थे, कुछ कोई आके एक लाइन हमें बोल दे ताकि हमारी स्टोरी बन जाए। ऐसा नहीं था कि लोग मिलने के लिए तैयार हैं। 414 सीटों का आना बाद, उसके बाद बहुत एकदम माहौल ही बदला, माहौल ही बदला था। पर उससे पहले माहौल जनता पार्टी के राज के अंदर भी बहुत तूफान आया था, तब जोश नहीं बढ़ा था ज्यादा जनता पार्टी के दौरान? हाँ जोश था शुरू में, पर बहुत जल्दी वो मजा आता था उस समय की, भाई जाके लोगों, और उस समय नेता और मंत्री आराम से मिला करते थे, आराम से मिला करते थे। और कहानियां बहुत होती थी कि जगजीवन राम वो कर रहे हैं, चरण सिंह ये कर रहे हैं, चरण सिंह मोरारजी के खिलाफ, क्या हमारे लिए तो चांदी ही चांदी थी ना स्टोरीज में, कौन किससे लड़ रहा है और सो ऑन। तो जो गोल्डन पीरियड्स रहे ना, अजीब चीज है कहना, वो कोलिशन के रहे हैं, क्योंकि सिस्टम पत्रकार के लिए सिस्टम बहुत लीकी था। सही बात, बहुत लोग आपसे बात करने के तैयार हैं, इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हैं, अंदर खाने क्या हो रहा है। पर उससे समाज को फायदा होता हुआ था क्या? ये एक सवाल है, कई लोग कहते हैं कि नहीं बंद रखना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, सूचनाओं को एक्सेस नहीं होने देना चाहिए, वो ज्यादा ठीक था या वो ज्यादा ठीक था व्यवहार में? देखिए देश के हित के नाते, देखिए डेमोक्रेसी जब आगे बढ़ती है जब पब्लिक ओपिनियन अवेयर रहता है और पब्लिक ओपिनियन को असलियत यथार्थ स्थिति क्या अगर नहीं पता होगी तो फिर वो उनका माइंड कैसे मेकअप होगा। तो चाहे कितना भी बदसूरत वो रियलिटी हो जी, लेकिन असली में अंदर खाने, सरकार में, पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिटिकल पार्टीज में असलियत क्या है जी, ये आप सामने आईना दिखा रहे हैं। तो लोगों को मैं मानती हूँ ये गलत बिल्कुल नहीं हो सकता है जी। और मैं तो हमेशा कहती हूँ व्यास जी, डेमोक्रेसी में इट इज़ बेटर
टू अर टू मेक अ मिस्टेक ऑन द साइड ऑफ मोर फ्रीडम वट एवर बी द कॉस्ट देन लेस फ्रीडम. उसमें आप गलतियां भी करोगे, जो भी है आपके एजेंडा भी होंगे, जो भी है. तो कोलिशन एरा में ज्यादा वो इंफॉर्मेशन मिलती थी बनिस्पत वन पार्टी रूल, चाहे इंदिरा गांधी का हो, राजीव गांधी का हो, नरेंद्र मोदी के रूल में एक मुझे एक और बदलाव दिखता है. जो सरकारें पहले ना ये नहीं कहती थी कि पत्रकार का रोल क्या है या जनता का रोल क्या है, ये भी नहीं सुना होगा आपने कि कर्तव्य जनता कर्तव्य जनता के राइट. वो उस समय इमरजेंसी में जरूर कर्तव्य ड्यूटी के सब आई थी, लाए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में. लेकिन आप पत्रकार का रोल सरकार के लिए प्रोपेगेंडा करना नहीं. और कहीं ना कहीं बहुत सरकारों को लगता है कि हमारी बात को रखना, हम ठीक क्या कर रहे हैं. तो एक बात बताएं, पत्रकारों के या पत्रकारीय संस्कार हमारी मीडिया की संस्थाओं में वरिष्ठ संपादकों मालिकों में क्यों नहीं बने, क्या मानना है आपका? और उस नाते मेरा एक दूसरा सवाल ये भी कि आपके अपने पूरे करियर में दमदार संपादक मालिक कौन से थे? हालांकि वही मैं कह रहा हूँ कि रामनाथ गोयनका तो अपना जनसत्ता. अच्छा, मैं एक अरुण शौरी के बारे में कहानी. जब वही एडिटर थे और मैं वहाँ थी, ब्यूरो में थी, कवर कर रही थी, तो मेरे पास एक स्टोरी आई थी. जबकि हेगडे साहब एक जज थे, उनके खिलाफ केस था जो वो देख रहे थे. तो वो उनके जजमेंट अभी दिया नहीं था, जजमेंट आने वाली थी, बहुत ही तहलका मचने वाला था. तो मैं ऐसे ही, हम खोजते रहते थे ना अच्छी स्टोरी, क्रैक स्टोरी, स्कूप हो, तो मैं ऐसे ही मिलने चली गई. और वो मेरे से मिल लिए और मेरे को उन्होंने बताया, दिखाया नहीं रिपोर्ट जो जजमेंट जो वो देने वाले थे, सिर्फ बोलते गए. और मैं जल्दी जितना नोट लिख सकती थी लिखी, फिर मैंने स्टोरी लिख दी. अब क्या हुआ कि इसका मतलब होता कि हेगडे को रिज़ाइन करना पड़ता, डिप्टी चेयर थे प्लानिंग कमीशन के उस टाइम. तो मैं जब मैं आई ऑफिस में, मैंने लिस्ट की तो तो इन्होंने कहा थोड़ा कि भाई उसके ऊपर थोड़ा और काम करो. मैंने कहा नहीं, किसी और को मिल जाएगी, मैं तो लिस्ट कर रही हूँ, आपको पता, आपको जो करना है करो. आप बिलीव नहीं करेंगे, अरुण शौरी डिड नॉट किल दैट स्टोरी, बट हेगडेज रेजिग्नेशन केम द सेम नाइट. अच्छा. सो माय स्टोरी और ये रेजिग्नेशन वाज कैरीड द नेक्स्ट डे टुगेदर. सही बात. तो ये नहीं था कि आप किसी के कहने पे दबा देंगे, मतलब ठीक बात है. लेकिन आप राजमोहन गांधी, अरुण शौरी, बीजी वर्गीज, मतलब सब अच्छे उनमें, इन सब के एस सहाय, मैं बताऊंगी, एस सहाय स्टेट्समैन में थे जब मैं सिविल राइट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, ओनली फर्स्ट एंड ओनली सिविल राइट्स कॉरेस्पॉन्डेंट. और जब ये चीज़ें लिखते थे ना राइट्स के बारे में, तो सहाय एक बार आया था फोन, माइंस के कोई लोग थे, मतलब पॉलिटिकली कनेक्टेड पावरफुल. तो सहाय ने मुझे कहा बुला के, उसने आई नहीं, मेरे सामने उससे कहा यू टॉक टू माई रिपोर्टर, वट आपको जो कहना है मेरे रिपोर्टर को कहो. और मुझे फिर फोन के बाद कहा आपके फैक्ट्स करेक्ट होने चाहिए, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, यू आप लिखो जो लिखना है, फैक्ट्स एकदम ठीक ठीक था, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए. ठीक बात है. और उसमें व्यास जी, अब तो गूगल है, आपको एक सेकंड में पता लग जाएगा. लेकिन आपको किसी की स्पेलिंग भी आपने गलती कर दी ना अपनी स्टोरी में, तो आपकी स्टोरी गोल हो जाएगी. मुझे याद है सुब्रमण्यम स्वामी, दो घंटे मैंने लगाए थे, सुब्रमण्यम है कि सुब्रमण्यन है. अच्छा. आज तो एक सेकेंड लगेगा आपको चेक करने के लिए. तो फैक्ट्स की जो सैक्रोसैंक्ट चीज है ना, एकदम वो इन एडिटर्स और उसका सम्मान भी, उसका सम्मान क्या, उसका सम्मान कि भाई, और उसको और सब परिवेश के अंदर, यही मेरा मूल बुनियादी सवाल ये कि ये सब बातें उस समय भी एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली की लुटियन दिल्ली के लिए मतलब रखती थी. देश की लोग कहते हैं कि नहीं, देश में तो चाहे जो होता, पर एक जो एलिट दिल्ली का था, जो पढ़ने अंग्रेजी हो या हिंदी उनके पढ़ने लिखने वाले जो थे, उसमें जो वो भाव था, तो वो हमारे जीन्स के अंदर या हमारे स्वभाव में या हमारे लोकतंत्र में स्थाई क्यों नहीं बने, क्यों नहीं वो बैठे?
इसके लिए किसे दोषी माने? सबको नहीं, सबको बेचारा पत्रकार को तो आप कैसे दस, कोई माहौल तो बनना चाहिए। देखिए देखिए कि सबको मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर मीडिया ओनर्स अगर एक लाइन देते हैं, पत्रकार वर्किंग जर्नलिस्ट एक हद तक उसको रेजिस्ट कर सकता है, अगर सरकार प्रेशर डालती है तो मीडिया ओनर, अब रामनाथ गोयनका जैसे लोग हो सकते हैं, कभी कभार होंगे, पर मीडिया ओनर एक हद तक रेजिस्ट करेगा। तो हर एक का एक ये क्या बने फर्ज बनता है, अगर आपको हमारे लोकतंत्र में मीडिया की क्या रोल है उस पर एक कंसेंसस है, वो उसकी शिक्षा, उसकी माहौल या उसकी समझ पैदा करने की शायद इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कोई कोशिश नहीं हुई है, नहीं, या लोकतंत्र या राजनीतिक पार्टियों ने नहीं की है, ब्यूरोक्रेसी ने नहीं की है, जुडिशरी ने नहीं की है, इसलिए फेलियर है, सबका फेलियर है। किसी का इंटरेस्ट नहीं था, बारिंग जर्नलिस्ट का, किसी का इंटरेस्ट नहीं था कि हमें लिप सर्विस करते थे, लेकिन ऐसा हो सही मायने में ये नहीं था। हालांकि आपने भी लिखे हुए हैं, मैंने भी लिखे हुए हैं चीज़ें जो कि सरकार को बिल्कुल नहीं पसंद थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमको हटा दिया जाए अपनी, मतलब गैर कांग्रेसवाद को लेकर हम लोग कितना लिखते थे और आप मेरे बारे में क्या धारणा थी मुझे क्या माना जाता था क्या था, उसके बावजूद हम करते थे और सब तक एक्सेस थी, गपशप होती थी, तो वो सब होना और अब एक तरह से बिल्कुल अलग ही दुनिया बनना या अलग ही वक्त होना। एक और चीज़ जो हमारा पुराना जो ओल्ड गार्ड मैं कहती हूँ, ओल्ड सिस्टम, हम लोग को जो सिखाया गया था कि आप न्यूज़ में आपको ऑब्जेक्टिव होना है, मेरा व्यू कुछ भी हो सकता है, व्यूज के अंदर आप चाहे जो कहें, लेकिन और अगर मैं किसी के खिलाफ हूँ तो उसकी क्या राय है वो, जैसे कहते हैं ना बेंड ओवर बैकवर्ड्स, वो ठीक ठाक पेश आए, ये मेरा फर्ज है। तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्टिविटी अपने लिखने में आप तर्क है? तर्क और सत्य, तर्क और आप जो भी हो कि भाई आप में, आप तर्क से भी अपने विचार को, मतलब बुनियादी तौर पर विचार में तो 10 तरह के विचार हो सकते हैं, उस गंगोत्री से कितनी धाराएं निकले, इस पर आप एक ही धारा बनाकर उसकी नहर बना दें ये तो संभव ही नहीं है। और अगर आप कहें उस नाते मेरा मानना है कि बतौर प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री ने विचार को और न्यूज को सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया? कोएलिशन प्रधानमंत्रियों ने। वही बात है, कोएलिशन, क्योंकि वो वीक थे, क्योंकि अगर वो नहीं करते, ऐसा नहीं कि वो दूध के दूल्हे थे, अगर वो नहीं करते तो बहुत लोग थे जो उनके पीछे पड़ जाते। तो ये अजीब विडंबना है कि लोकतंत्र अगर देखा जाए, देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसको आप कहते हैं, उसकी कीमत पर फिर कई चीजें कंप्रोमाइज हो जाती है या खराब होती है, ये विडंबना, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और ये इसीलिए वक्त का जो मौजूदा फर्क है कि जितना ताकतवर या जितनी ज्यादा मजबूत सत्ता होगी उसमें बाकी संस्थाएं अपने आप कमजोर होगी, लेकिन ये ऐसा दूसरा अमेरिका में या ब्रिटेन में वहां तो नहीं है, क्योंकि ओवर द इयर्स इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रॉन्ग। अगर आप मुझे कहेंगे आज की मैं सबसे बड़ा चैलेंज हमारी डेमोक्रेसी के लिए, देश के लिए क्या मानती हूँ, वो है हमारे इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना जी। ताकि जो आए नहीं आए वो खड़े रहें, अपना रोल प्ले करें। और एक पत्रकार के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं प्रेशियस चीज़ है जी, वो उसकी क्रेडिबिलिटी है जी। आज भी वो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज है। निर्जय जी, इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं, वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं, ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।